हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे हाई वॉच प्रो ऐप से कनेक्ट करोगे अपनी वॉच को। तो गाइज, आप अपनी वॉच को फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो हाई वॉच प्रो ऐप से। तो आप कोई भी वॉच को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे T500 Plus या T500 Pro या T800 Plus या काफ़ी वॉचेज़ है जो हाई वॉच प्रो ऐप से कनेक्ट होती है। तो सबका प्रोसीजर सेम ही है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। तो आपको और उसमें ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है। ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करने के बाद आपको फ़ोन को नेट से कनेक्ट करना है और प्ले स्टोर पर सर्च करना है हाई वॉच प्रो ऐप। तो आप सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, आपको पूरा सर्च करना है हाई वॉच प्रो ऐप को तो आपको मिल जाएगा। तो हाई वॉच प्रो ऐप को अब मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ हाई वॉच प्रो ऐप है तो मैं इसको ओपन करूँगा। आपको नोटिफिकेशन को अलाउ करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। तो हाई वॉच प्रो ऐप खुल जाएगा। तो अब मैं यहाँ एग्री कर लूँगा और जो लोकेशन है उसको भी अलाउ करना है। तो आपको होम पेज कुछ ऐसा देखने मिलेगा इस ऐप का। तो होम पेज में आपको स्टेप्स देखने मिल जाएंगे, हार्ट रेट और स्लीपिंग कितनी हुई है। और यहाँ से आप वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड में मैप खुल जाता है और आप कितने स्टेप्स लेते हो वो दिखता है। और यहाँ से आपको आपका आईडी देखने मिलेगी अगर आप लॉगिन करते हो। तो अब यहाँ से आप वॉच को ऐड कर सकते हो। तो अलाउ कर दूंगा मैं इधर। तो अब वॉच ऐड होगी। तो आप देख सकते हो कि T800 अल्ट्रा वॉच ऐड हुई है। तो वैसे T500 प्रो हो या कोई भी वॉच हो ऐड हो जाती है जो इस ऐप से रिकमेंड है हाई वॉच प्रो ऐप से। तो आप देख सकते हो कि ये कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी तक मैंने कुछ स्टेप्स लिए नहीं इसलिए यहाँ लोड नहीं होते हैं, लोड हो जाते हैं। तो अब नई पेज पे आप देखोगे तो वॉच का नाम लिख के आ रहा होगा। तो वॉच पूरी तरीके से कनेक्टेड है, आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। तो वॉच फाइंड हो रही है, इसका मतलब वॉच कनेक्ट है। आपको चेक करना है वॉच कनेक्ट हुई कि नहीं, तो वॉच को फाइंड करना। वॉच को जैसे ही फाइंड करोगे आपको समझ जाएगा वॉच कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस कंट्रोल, एक्चुअली इसका नाम गलत है, ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं है ये राइज टू वेकअप डिस्प्ले। मतलब अगर आप वॉच को ऊपर करोगे तो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाता है। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो अब मैं वॉच का डिस्प्ले ऑफ करूँगा। तो अब आप देखोगे तो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो गया। तो अगर आप वॉच को बस ऊपर करते हो तो डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है वॉच में। फिर इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो, सेटिंग रिमाइंडर सेट कर सकते हो, आप फोटोज़ ले सकते हो। यहाँ से आपको बस यहाँ वॉच पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और फोटो यहाँ क्लिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ फोटो आ चुकी है। तो फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, मैसेज की नोटिफिकेशन ले सकते हो। यहाँ से आप कोई भी मैसेज की नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो यहाँ से। फिर आप यहां से कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो आप ऐड पर क्लिक करोगे तो आप नंबर और नाम ऐड कर सकते हो। डायल सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूं। फिर यहां से आप डिवाइस को रीसेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अदर सेटिंग्स में आप वाइब्रेशन ऑन या ऑफ कर सकते हो। और OTA अपग्रेड मीन्स आपकी वॉच को आप OTA अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ आपको बैकग्राउंड सेटिंग्स मिलेगी। तो बैकग्राउंड सेटिंग्स उस काम की नहीं, डायल सेटिंग्स में जाते हैं। तो डायल सेटिंग्स में आपको कई सारे डायल मिलते हैं, हॉलीडे डायल, कार्टून डायल, हॉट डायल। तो यहाँ आपको कई सारे डायल देखने मिलेंगे। तो इन सब की अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि डिजिटल डायल है तो यहाँ आपको पूरा टाइम डिजिटली देखने मिलता है। तो अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ वॉच में। तो आप जैसे ही क्लिक करते हो ऐड हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि वॉच फेस अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली वॉच में चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए अपलोड नहीं हो रहा था, मैंने वॉच को फुल चार्ज कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी स्पीड में अपलोड हो रहा है। तो अब वॉच रीस्टार्ट होगी। तो वॉच रीस्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो बिल्कुल HD में अपलोड हुआ है। तो आप ऐसी कोई भी वॉच फेस डाल सकते हो अपनी वॉच में ऐप के थ्रू और ये बहुत ही ईजी। और नीचे आपको कस्टम डायल का ऑप्शन मिलता है। अब आप देखोगे तो यहाँ आपको वॉलपेपर्स देखने मिलेंगे पर ये सब कस्टम वॉच फेसेस हैं। तो आप बोलोगे कि ये सब कस्टम वॉच फेसेस कैसे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें अपलोड कैसे करना है। आपको इसमें कई सारे वॉच फेसेस मिलेंगे। आई वॉच ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए, जैसे कि मैं ये वाली फ़ोटो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाली फ़ोटो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो गैलरी खुल जाएगी और गैलरी से भी आप फ़ोटो ले सकते हो। तो यहाँ मैंने मेरे अपने फ़ोन में गैलरी खोल ली है, तो मैं ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा। तो अब मैं इसको डन पे क्लिक कर दूँगा, तो आप देखोगे तो ये वाली फ़ोटो अब मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। और आपको क्लॉक आप कहीं भी सेट कर सकते हो, आपको अपर चाहिए या आपको लोअर चाहिए, आपको जहाँ भी चाहिए आप वहाँ क्लॉक को सेट कर सकते हो। तो अब मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, तो आप देखोगे तो गॉट इट पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये कस्टम वॉच फेस जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप आपकी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो, और इसे अपलोड होने में टाइम लगता है। और जब भी वॉच फेस इंस्टॉल होता है तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि आपको कभी भी वॉच फेस इंस्टॉल होने के टाइम पे फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर वॉच फेस इंस्टॉलेशन के बीच में रुक गया तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, तो इससे आपकी वॉच डैमेज हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो कि कस्टम वॉच फेस सेट हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।